नमस्कार, मैं विमल कुमार बक्सर से। आपको पता होगा कि पिछले सप्ताह एक हत्या हुई थी यहाँ बक्सर में। ये आपको पीछे न्यायालय है बक्सर का, जिसमें दिन दहाड़े यहाँ पे पीछे रास्ते से चित्रंजन नामक एक वकील जब जा रहे थे तो अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या होने के बाद यहाँ का जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, लगातार धरने देता रहा। वो लोग प्रशासन से नोकझोंक करते रहे कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे यहाँ पे व्यवहार न्यायालय नहीं खुलेगा। लेकिन बहुत मान मनोबल के बाद यहाँ के प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कल के दिन में यहाँ दो अपराधी और पकड़े गए और जब उनको पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया तब धीरे धीरे उस हत्याकांड का पूरा जो खुलासा होने लगा। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। प्रशासन का मानना है कि सारे जो गिरफ्तार लोग हैं इसी में वो लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। क्योंकि बक्सर में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा था, डीजीपी बक्सर आए हुए थे और लगातार वो पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसी डीजीपी के साथ बार एसोसिएशन की बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ खास बातचीत हुई वो आपको बता रहे हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूबेदार पांडे जी। कल आप लोग डीजीपी जी से मिलने गए थे, जो चित्रंजन हत्याकांड हुआ था उस मामले को लेकर के आपका संग मिलने गया था, उसमें क्या वार्ता हुई? कल वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस पूरा मदद करेगी और अधिक से अधिक अभियुक्त हैं उनको पकड़ने के लिए। अब तक आज एक सरेंडर किया है और चार पकड़े गए हैं। पहले पुलिस अपना ईमानदारी और सच्चाई से काम कर रही है, कहीं कोई नहीं, और अधिवक्ता संघ शांतिपूर्वक से अपना काम कर रहा है, कोई अशांति नहीं है। नहीं, पुलिस जिन लोगों को पकड़ा है उनका कहना है कि यही लोग अपराधी थे, इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है। तो क्या संघ इस बात से आश्वस्त है कि जितने लोग पकड़े गए हैं वही लोग थे जिनने हत्या को अंजाम दिया? यही तो अनुसंधान का विषय है, इस बारे में हम लोगों को कुछ बोलना, अनुसंधान में हस्तक्षेप करना होगा। पुलिस क्या करके निचोड़ क्या लाती है, पुलिस का भी ये काम है कि ईमानदार सच्चे जो हों उनको छोड़ें और जो अपराधी हैं उनको न छोड़ें। ये पकड़े जाने से क्या आप लोग भयमुक्त हैं अभी? नहीं, पकड़े जाने से भयमुक्त नहीं, भयमुक्त तो हम अपने कर्म से होंगे, भयमुक्त अपने काम से होंगे। भयमुक्त का मतलब हम लोगों को डर थोड़े है, हम लोगों को किसी प्रकार डर नहीं है और जितना साधन प्रशासन ने दिया है वो सफिशियंट है। अभी उत्तर वाला गेट बंद है, इधर से चेकिंग होता है और जिनको करना होता है वो इंदिरा और राजीव जैसे लोगों को सुरक्षा के बावजूद भी मारे गए। ये कहना कि कोई अपराधियों से बच जाएगा, लेकिन अपराधियों का हौसला पस्त हो इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे। और छः आपका सूबेदार पांडे अधिवक्ता हुए, साथ ही साथ संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आपने सुना, सूबेदार पांडे जी ने बताया कि अभी जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है इससे बार एसोसिएशन सेटिस्फाइड है। इन लोगों को विश्वास है कि वो अपराधी सारे जो है पकड़े जाएंगे। मैं विमल कुमार, सिटी न्यूज़ बक्सर।